हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पीनू एंड वेलकम बैक टू लर्न स्पार्क। तो आज हम पढ़ेंगे बर्जमिन रूल क्या होता है, ठीक है, और साथ में एलन रूल की भी बात करेंगे। तो हम लोग इकोलॉजी के बात कर रहे थे, जिसका मतलब क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के बीच, ठीक है, क्या इंटरेक्शन होती है। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रूल्स थे इकोलॉजी में, ठीक है। अब हम आगे आगे जैसे जाते रहेंगे, बहुत सारे रूल्स आते जाएंगे इकोलॉजी में, वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे। तो जो फर्स्ट रूल है आज हम बात कर रहे हैं जिसकी, वो है बर्जमिन रूल। अब ये रूल किस पे डिपेंड कर रहा है, ये रूल क्या है, एक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है और साथ में उसके टेम्परेचर, वो किस तरह उसको अडेप्ट करेगा, कि वो ऑर्गेनिज्म किसी भी टेम्परेचर को किस तरह से अपने अडेप्ट करेगा और किस तरह से उसकी बॉडी का साइज है, जो सरफेस एरिया है और वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें हैं कौन सी जो इम्पोर्टेंट प्ले करेंगी, एक तो साइज, सेकेंड हम बात कर रहे हैं सरफेस एरिया की और वॉल्यूम। तो किसी ऑर्गेनिज्म का साइज है, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, ये तीन चीजें किस तरह से हेल्प करती हैं उसको अडेप्ट करने के, उसके टेम्परेचर को, मतलब उसके बॉडी टेम्परेचर को, उसको ज्यादा कोल्ड कंडीशंस में, मतलब वहां पे हम कह सकते हैं कोल्ड रेजिस्टेंस, मतलब सर्वाइव करने के लिए किस तरह से ये चीजें हेल्प करेंगी। तो आज हम ये पढ़ेंगे बर्जमिन रूल के अकॉर्डिंग। तो अब हम इन तीनों चीजों को देखेंगे कि बर्जमिन के रूल के अकॉर्डिंग ये किस तरह से अपना रोल प्ले करती है और हेल्प करती है किसी ऑर्गेनिज्म को उसके एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए। तो बर्जमिन ने क्या कहा कि हमारे पास क्या होते हैं, जैसे क्या है, हम आर्कटिक में देखे, वहां पे हमारे पास पोलर बियर प्रेजेंट होते हैं। आर्कटिक में हमारे पास क्या है, वहां पे पोलर बियर प्रेजेंट है। तो हमें पता है कि उनका बॉडी साइज है जो क्या होता है, काफी बड़ा होता है। तो उसने कहा कि जो पोलर बियर है उनका बॉडी साइज है वो काफी बड़ा है और वो क्या कर रहे हैं, इजिली अडेप्ट कर लेते हैं, वहां पे जो ठंड होती है उसको वो इजिली अडेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनका बॉडी साइज क्या है, काफी बड़ा है। अब यहाँ पे उसने एक रेशो की बात की, जैसे वो कौन सी रेशो है हमारे पास, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम। उसने कहा कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया कम हो, मतलब ये चीज क्या हो, लेस हो, और यहाँ पे जो वॉल्यूम हो वो क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। इट मीन्स क्या होगी, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है जो, वो क्या हो, अगर लेस हो, मतलब क्या हो, वो कम हो, तो क्या होगा, वो जो ऑर्गेनिज्म है इजिली क्या करेगा, अडेप्ट करेगा उस एनवायरमेंट को, इजिली अडेप्ट टू कोल्ड एनवायरमेंट, क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म क्या होता होगा, जो साइज है बॉडी वो क्या है, बहुत ज्यादा है। जैसे हमने इसकी बात की यहाँ पे पोलर बियर की, हमने देखा है कि उसके क्या होते हैं, जो एक्सट्रीम्स ही होते हैं, जो क्या होते हैं उसके, जैसे छोटी छोटी चीजें हैं पोलर बियर, तो हम कह सकते हैं कि आर्कटिक में रहने वाले के ऑर्गेनिज्म में जैसे क्या है, जो एक्सट्रीमीज हैं, जैसे क्या है उसकी टेल है, ईयर है, ठीक है, या फिर उन ऑर्गेनिजम्स के क्या है, जो विंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफी छोटे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे उनका सरफेस एरिया क्या है, काफी क्या होगा, स्मॉल होगा। इसलिए वो क्या कहते हैं, क्योंकि हमारी यही चीजें होती हैं जो क्या होते हैं, एनवायरमेंट के लिए हम कह सकते हैं कि एक्सपोजर होती हैं। तो अगर उसका सरफेस एरिया कम है तो वहां से क्या होगा, जो हीट लॉस होगा वो भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उनकी टेल है, जो ईयर है और विंग्स है, वो क्या होते हैं, काफी स्मॉल होते हैं, इसलिए उसका सरफेस एरिया एक्सपोजर टू द एनवायरमेंट कम होता होगा और उनके अंदर की जो हीट है वो रिटेन रहेगी और वो क्या होगा, इजिली क्या होगी, लूज नहीं होगी। अगर इसके ऑपोजिट हम देखें, जहां पे हम कह सकते हैं कि कंडीशन क्या होगी, वार्म हो थोड़ी, जैसे हम कह सकते हैं कि एलिफेंट, अगर हम देखें एग्जांपल ले उसकी है, ठीक है, एलिफेंट के कान क्या होते हैं, काफी बड़े होते हैं, तो क्या है, उसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण क्या होगा, वो क्या होता है, इजिली उसके कान के, हम कह सकते हैं कि उसको एनवायरमेंट को, मतलब अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं, इसलिए वो वार्म एनवायरमेंट में वहां पे सर्वाइव कर सकता है, जो हमारा एलिफेंट है, क्योंकि उसके ईयर्स का सरफेस एरिया क्या है, काफी ज्यादा है। अभी हमने बात की कि सरफेस एरिया क्या हो, कम हो, अगर जिसका वॉल्यूम क्या हो, ज्यादा हो, वो क्या हो जाते हैं, इजिली अडेप्ट टू द कोल्ड एनवायरमेंट। अगर हमने एलिफेंट की बात की थी, उसका सरफेस एरिया क्या है, काफी ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए क्या है, वो क्या करते हैं, इजिली एनवायरमेंट टू द ऑपोजिट, हम कह सकते हैं यहाँ पे कोल्ड था, वहां पे क्या है, जो वार्म एनवायरमेंट को वो इजिली अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं उसके कान, जो क्या काफी बड़े होते हैं। तो ये था हमारा जो कि एनिमल्स क्या है, किस तरह से हेल्प करते, एनिमल किस तरह से बिहेव करते हैं, जिसका बॉडी साइज बड़ा होगा वो क्या होगा, इजिली अडेप्ट करेगा कोल्ड एनवायरमेंट को। इस कंपेयर इसको करें अगर हम उस ऑर्गेनिज्म के, जिसका क्या है, बॉडी साइज क्या है, यहाँ पे तो हमने कहा था कि ज्यादा हो, अगर स्मॉल हो, ठीक है,
तो अगर हम इसको स्मॉल ऑर्गेनिज्म और स्मॉल जो इसका बॉडी साइज है उससे कंपेयर करेंगे, तो वहां पे जो स्मॉल बॉडी साइज के ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होंगे, कोल्ड के क्या होंगे, ये तो जैसे रेजिस्टेंस से तो ये क्या होंगे, कोल्ड हम कह सकते हैं सेंसिटिव होंगे। अब देखेंगे हम जो एलन रूल है नेक्स्ट हमारा, इसी की एक्सटेंशन है जो बर्जमैन रूल की, वो कौन सा है, एलन रूल। अब एलन रूल के अगर हम देखें, एलन रूल सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि ये सिर्फ प्रेजेंट होता है किसमें, एंडोथर्म्स में। एंडोथर्म्स कौन से होते हैं, जो क्या है अपने अंदर से खुद हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं और जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं अपने, एंडोथर्म्स। ठीक है, ये किसमें देखा जाता है, सिर्फ एंडोथर्म्स में, क्योंकि क्या है उनमें काफी जो एक्सट्रीमिटीज है उनकी वो काफी शॉर्ट होती है। मतलब क्या है, उनके क्या होंगे जो ईयर है, टेल है एंड द विंग है, वो क्या होंगे, काफी छोटे छोटे होंगे, इसलिए वो कोल्ड एनवायरनमेंट को इजिली क्या कर सकेंगे, रेजिस्ट कर सकेंगे। इसी की क्या है, बर्जमैन रूल की एक्सटेंशन है जो एलन्स रूल है, और किसमें प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, सिर्फ एंडोथर्म्स में, ओनली इन द एंडोथर्म्स। ठीक है, एक्टोथर्म्स में इसका कोई वो नहीं है, रूल नहीं है ये। तो ये थे आज के हमारे रूल, तो हमने पढ़े बर्जमैन रूल किस तरह से काम करता है, तीन चीजों के ऊपर डिपेंड है ये, साइज सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम, और जो रेशियो है इसकी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम वो क्या होगी, अगर कम होगी मतलब लेस होगी तो क्या होगा, वो जो हमारा जो ऑर्गेनिजम्स है इजिली अडेप्ट टू द कोल्ड एनवायरमेंट। जैसे हमने यहाँ पे लिखे चले, सरफेस एरिया क्या है इसका, सपोज करो 1 है किसी ऑर्गेनिज्म का और वॉल्यूम 2 है, तो 0.5 यहाँ पे आ गया। इट मींस क्या है, वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, इजिली अडेप्ट कर पाएगा वहां पे कोल्ड एनवायरमेंट को। अगर इसी का ऑपोजिट हो, 2/1 हो, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, कोल्ड क्या है, सेंसिटिव है, मतलब वहां पे रेजिस्ट, मतलब एनवायरनमेंट में वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकता, तो कोल्ड एनवायरनमेंट। तो इस रेशो को हमने ध्यान रखना है, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम। तो सर वीडियो बर्जमैन रूल क्या होता है और एलन्स रूल क्या होता है, मैं होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन आएगा उसे जरूर दबाएं, उससे क्या होगा चैनल की जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए करेगी। थैंक यू।